नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों साची के सपूत को कब यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया? दोस्तों साची के सपूत में दोस्तों कब यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया? दोस्तों तो कब जोड़ा गया दोस्तों, 1989 को जोड़ा गया था। दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श के सिद्धांत को किस देश से लिया गया? दोस्तों तो किस देश से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? दोस्तों तो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? दोस्तों तो किसने किया था? दोस्तों तो किसने किया था? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने किया था। दोस्तों कब किया था? दोस्तों तो 1882 में किया था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों तो 1992 में हुआ था। दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? दोस्तों तो यह दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी। दोस्तों भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन थी? दोस्तों भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन दोस्तों कौन थी? दोस्तों तो यह थी दोस्तों डेक्कन रानी। दोस्तों थी इसका नाम क्या था? दोस्तों डेक्कन रानी था। दोस्तों यह कब चली थी? दोस्तों तो यह दोस्तों 1930 में चली थी। दोस्तों और कहां से कहां तक चली थी? यह मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों सबसे सुपरफास्ट ट्रेन कौन है? दोस्तों तो T18 है, ट्रेन है दोस्तों, जिसे वंदे भारत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों तो बी AB पॉजिटिव है। दोस्तों दाता कौन है? दोस्तों तो ओ पॉजिटिव, ओ है, ओ ग्रुप है। दोस्तों कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों कब, या दोस्तों कब शुरू हुआ था? दोस्तों या दोस्तों 1991 में से शुरू हुआ था। दोस्तों टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों तो असम में दोस्तों काजीरंगा, मानस, नमेरी और औरंग है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा, पाक्के, कामले है। दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो संविधान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? दोस्तों कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? दोस्तों चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, रूस है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो यह हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। दोस्तों गीता गोविंद किसने लिखी थी? दोस्तों गीता गोविंद दोस्तों किसने लिखी थी? दोस्तों जयदेव ने जी ने लिखी थी। दोस्तों सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी? दोस्तों सबसे लंबी दोस्तों रोड सुरंग दोस्तों कौन सी है? दोस्तों चैनी नसारी है। दोस्तों कौन? दोस्तों चैनानी नसारी है। दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है? दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान दोस्तों कहाँ है? दोस्तों तो दोस्तों कटक में स्थित है। दोस्तों इसरो ने 2016 में एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे? दोस्तों इसरो ने 2016 में एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे? दोस्तों तो 20 उपग्रह छोड़े थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों तो 1946 में आया था। दोस्तों HLL की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों HLL की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? दोस्तों
हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों? गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों? तो बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। यह दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो 1924 में हुआ था दोस्तों। ASCII डबल आई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ASCII डबल आई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है दोस्तों। क्या दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है दोस्तों। नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? दोस्तों नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 2 होता है दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है दोस्तों? कावेरी जल विवाद दोस्तों किन दो राज्यों के बीच में है दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है दोस्तों। सांप्रदायिक मतदान कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों सांप्रदायिक मतदान कब हुआ था दोस्तों? तो 1909 को हुआ था दोस्तों। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या दोस्तों? मैग्नीफेरा इंडिका है दोस्तों। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? उर्जित पटेल थे दोस्तों। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? भारत में दोस्तों कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? तो 25 हाई कोर्ट हैं दोस्तों। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? पालघाट दर्रा दोस्तों किसको जोड़ता है दोस्तों? तो तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है दोस्तों। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सासाराम में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1472 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया दोस्तों? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।